अरे बच्चों, आज हम तुम्हें क्लास सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ के लिए बता रहे हैं बीजगणितीय गुणा कैसे करते हैं। जैसे हमको करना है मल्टीप्लाई 4x इंटू 7x। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या संख्या का गुणा करेंगे। 4 × 7 एक पास लिख लिया, इंटू एक्स इंटू एक्स इनको एक पास लिख लिया। 4 × 7 = 28 एक्स, ये एक्स है। यहाँ एक्स के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो हमेशा वन मानते हैं। इसको बोलेंगे हम पावर, हिंदी में बोलते हैं इसको घात, और इसको बोलेंगे हम बेस, हिंदी में बोलते हैं इसको आधार। कहने का मतलब, जब बेस हमारा सेम है, हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो यहाँ वन मानेंगे हमेशा, मैंने पहले कहा। इसके ऊपर पावर 5 है, बेस सेम है तो पावर को कर देंगे प्लस, 1 + 5 इक्वल टू एक्स की पावर 6 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ एक्स के ऊपर पावर नहीं है कोई, वन मानेंगे। इस एक्स के ऊपर पावर नहीं है कोई, वन मानेंगे तो हो जाएगा एक्स 1 + 1 = 2। तो ये हो गया 28x², ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे 3y² × 5q² / y^4। जैसे हमारी ये संख्या है y, इसके आगे यहां कोई, जैसे हमारा ये y पद है, इसके लेफ्ट साइड में कोई संख्या नहीं है, हमेशा वन मानते हैं। जैसे इसके सामने y² के सामने यहाँ लेफ्ट साइड में 3 है, yq के लेफ्ट साइड में 5 है, लेकिन y4 के लेफ्ट साइड में कोई संख्या नहीं है तो हमेशा वन मानेंगे इसको। तो पहले करते हैं हम मल्टीप्लाई में, जो हमारी ये संख्या है इनका करेंगे मल्टीप्लाई। 3 × 5 × 1 इनको हम एक पास लिख लेंगे। 3 × 5 × 1 × y^2 है ये, × y^3 है ये, और y^4 है। 3 × 5 = 15, 15 × 1 = 15 y। यहाँ बेस सेम हो गया, y y y, तो पावरों को प्लस कर देंगे। 2 + 3 + 4 इक्वल टू 15, y² 2 और 3 5, 5 और 3 5 और 4 9, ये हो जाएगा 15, y² 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल 3 upon 8 x^4 yz × 16 yz². सबसे पहले करते हैं संख्याओं का मल्टीप्लाई। 3 upon 8 × 16 इस नंबर का और इस नंबर का करेंगे पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद में करेंगे हम x^4 yz में yz² का मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, x^4 yz × yz². अब ये हमारी हो गई भिन्न के रूप में। जैसे 3 upon 8 × 16, तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 3 × 2 = 6, इस तरह से हमने भिन्न के गुणा किए हैं, भिन्न के मल्टीप्लाई किए हैं, फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लाई। तो ये 6 हो गया, 8 × 8, 8 × 2 = 16, 3 × 2 = 6। यहाँ x^4 है,
यहां एक्स पावर है ही नहीं कोई, एक्स नहीं है कोई, ये एक्स पावर फोर, इधर एक्स नहीं है तो क्या हो जाएगा एक्स पावर फोर मल्टीप्लाई वाई की पावर यहां वन है, वाई की पावर यहां वन है तो वाई की पावर टू हो गया ये, जेड की पावर वन, जेड की पावर टू तो वन प्लस टू थ्री हो जाएगा ये। इस तरह से सिक्स एक्स पावर फोर वाई स्क्वायर जेड की पावर थ्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, टू पी मल्टीप्लाई बाई थ्री क्यू मल्टीप्लाई फोर पी क्यू। पहले करेंगे हम टू थ्री या सिक्स, सिक्स फोर या ट्वेंटी फोर, पी पी की पावर यहां वन, यहां पी की पावर वन तो पी की पावर टू हो गया, क्यू क्यू की पावर वन है, क्यू की पावर वन है तो क्यू की पावर टू हो गया, कहने का मतलब ट्वेंटी फोर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव बाई ब्रैकेट के अंदर है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू जेड। इसमें हमें पहले ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, ब्रैकेट खोलने का मतलब ब्रैकेट से पहले जो संख्या है उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है प्रत्येक में करेंगे। तो फाइव बाई का मल्टीप्लाई पहले करेंगे हम थ्री एक्स स्क्वायर में, उसके बाद में फाइव बाई करेंगे मल्टीप्लाई टू जेड में। किस तरह से फाइव बाई मल्टीप्लाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस प्लस इंटू माइनस, इसके सामने कोई साइन नहीं है, प्लस का मानेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, फाइव बाई मल्टीप्लाई टू जेड। पहले संख्या करेंगे फाइव थ्री या फिफ्टीन बाई, और ये एक्स स्क्वायर है तो ये दोनों अलग अलग हैं, अनलाइक टर्म है, तो पहले हम ए से लेके जेड तक पहले एक्स आएगा उसके बाद वाई आएगा, तो पहले हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे और उसके बाद में वाई को लिखेंगे, माइनस फाइव टू जा टेन, ऐसे ही पहले वाई को लिखेंगे उसके बाद में जेड को लिखेंगे। इस तरह से फिफ्टीन एक्स स्क्वायर वाई माइनस टेन वाई जेड, ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, टू एक्स स्क्वायर बाई ब्रैकेट के अंदर है एक्स माइनस वाई प्लस जेड, टू एक्स स्क्वायर वाई का करेंगे मल्टीप्लाई एक्स में, उसके बाद में करेंगे माइनस वाई में और लास्ट में करेंगे हम जेड में। किस तरह से टू एक्स स्क्वायर बाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है टू एक्स स्क्वायर वाई, ये वाली संख्या को लिखा मल्टीप्लाई वाई प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, इसको लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई जेड। यहां एक्स के सामने कोई संख्या नहीं है, वन मानेंगे, वन इंटू टू टू हो जाएगा एक्स, एक्स की पावर यहां टू है, यहां एक्स की पावर वन है तो एक्स की पावर थ्री हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री वाई माइनस टू, यहां कोई संख्या नहीं है, वन मानेंगे तो टू इंटू वन टू हो जाएगा, एक्स की पावर टू है यहां, यहां एक्स नहीं है तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर टू, वाई की पावर वन, वाई की पावर वन, वाई की पावर टू हो जाएगा प्लस टू एक्स, और कोई एक्स नहीं है तो ये आ जाएगा वाई, और वाई नहीं कोई तो वाई आ गया, और जेड ये आ गया। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया, टू एक्स क्यू बाई माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर बाई जेड। क्वेश्चन नंबर सेवन, टू एक्स प्लस टू बाई, और दूसरे ब्रैकेट में है थ्री एक्स प्लस फोर बाई स्क्वायर। अब एक पद हमारा ये हो गया, एक पद ये हो गया, पहले हम इसको छपा लें टू वाई को, हमको दिखाई दे रहा है टू एक्स, तो टू एक्स का मल्टीप्लाई हम पहले इसमें करेंगे, उसके बाद में टू एक्स को छपा लेंगे, टू वाई का मल्टीप्लाई फिर दोबारा इसमें करेंगे। कैसे,
2x, ये लिख लिया हमने, और इस ब्रैकेट को लिख लेंगे 3x प्लस 4y स्क्वायर, ये साइन प्लस का है, प्लस साइन आ गया, और हमने इसको छुपा लिया, 2y लिखा, फिर दोबारा से इस ब्रैकेट को लिखेंगे 3x प्लस 4y स्क्वायर। अभी जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, इसे पहले वाले किए थे, सेम उसी तरह इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2x का मल्टीप्लाई इसमें होगा और 2x का मल्टीप्लाई बाद में इसमें होगा, क्या हो जाएगा, 2 3 6, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, x की पावर 2 हो जाएगा, पावर पावर प्लस कर देंगे, 2 का करेंगे मल्टीप्लाई 4 में, 2 4 8, x की पावर 1, यहाँ x है ही नहीं तो हमारा x की पावर 1 आ गया, 1 पावर लगाते नहीं कभी, और ये बाई स्क्वायर। अब इसी तरह से इसको करेंगे 2y का मल्टीप्लाई, पहले इसमें करेंगे 3x में, उसके बाद में 2y का मल्टीप्लाई 4y स्क्वायर में करेंगे, तो प्लस 2 3 6, पहले x लिखेंगे उसके बाद में y लिखेंगे, प्लस इंटू प्लस, प्लस हो जाएगा, 2 का करेंगे पहले 4 में, 2 4 8, y की पावर, इसके ऊपर पावर नहीं कोई, हमेशा 1 मानते हैं, y की पावर 2 है, तो बेस सेम हो गया, y y पावर प्लस कर देंगे, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया, ये उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, x y स्क्वायर ब्रैकेट में 4x प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर, इसका करेंगे मल्टीप्लाई, पहले हम इसका करेंगे, इसमें x y स्क्वायर करेंगे 4x में, तो यहाँ 1 मानेंगे, 1 × 4 4 हो जाएगा, x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है तो पावर 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1, और y स्क्वायर प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस हो गया, यहाँ 1 मानेंगे, 1 × 3 3 हो जाएगा, x की पावर 1, x की पावर 1, तो x की पावर 2 हो गया, y की पावर 2, y की पावर 1, y की पावर 3 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 है, 1 × 2 2 हो गया, x की पावर 1, यहाँ x है ही नहीं तो x की पावर 1 हो गया, पावर 1 लगाते नहीं है, y की पावर 2 है, y की पावर 2 है तो y की पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।